السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूं मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि ये भी मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि हिदायत पाए बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ य मेरा रब करीब है कबूल करने वाला है लहदहूला शरीक लह। लहुल मुल्क व लहमद व हुआ अला शई इन कदीर सुबहन अल्लाहू लहुल लहु मुल्ली अल्लाह पाक है उसका कोई शरीक नहीं बादशाहत उसी के लिए है तमाम तारीफे उसी के लिए है वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है बुराई से बचने की ताकत और नेकी करने की कुत अल्लाह की तोफीक के बगैर नहीं है अल्लाह पाक है और उसी की तारीफ है अल्लाह सल अला इब्राहिमा व अलाब्राहिमा कहमीद अल्लाह मबारिक मुहमदिन व अलामदिन कबाबारकता अला इब्राहिमा

उस अमल की तरफ तवज्जो करें हर हाल में चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाद हो या दीगर औकात में जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और वो है अल्लाह का जिक्र और कुरान मजीद के बेशतर मकामात पर अल्लाह सुबहाना ने इसकी ताकद की है इरशाद बारी ताला है सूरत काफ में فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود بس آپ صبر کیجیے، اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی يعني آپ کے مخالفین. और सूरज के तुलु और गुरूब होने से कबल अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए और रात के औकात में और सजदों के बाद भी उसकी तस्बी कीजिए यानी नमाज के बाद भी अल्लाह तला की तस्बीह बयान कीजिए यहाँ पर जो खिताब है वो नबी अलैहि वसल्लम से है फसबिर अलामा यकुल यानी आपके दुश्मन ये मुशरकिन आपके खिलाफ जो बातें करते हैं इनकी बातों पर आप सब्र कीजिए जो आपको झुटला रहे हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं इसका जवाब आप सब्र के साथ दीजिए और उसके बरअक्स आप अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से ज्यादा मजबूत कर लीजिए यानी कितनी खूबसूरत तालीम है हमारे दीन की कि जब लोग मुखालफत करें तो बजाय इसके कि उनसे उलझना शुरू कर दें और उनकी बातों का जवाब देने लगे और खुद को डिफेंड करना शुरू कर दें करने का काम क्या है कि हम अल्लाह की तरफ तवज्जो करें रगबत करें दुआ करें अल्लाह की तस्बीह बयान करें उसकी हमद बयान करें इसीलिए आगे फरमाया वह सब बेह बेहमद का और अपने रब की हम के साथ उसकी तस्बी बयान करें यानी अल्लाह सुबहानु को उन बातों से पाक करार दे जो बातें ये मुशरकिन अल्लाह सुबहान से मंसूब करते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह सुबहान की शान बुलंद करें, उसकी तारीफ बयान करें उसकी ऐसी सिफात बयान करें जो उसके शायन शान है और ये नफी और इस बात दोनों मिलकर अल्लाह के कमाल को साबित करते हैं और यहाँ तस्बी से मुराद या तो ज़ाहरी तस्बी है यानी अल्लाह तला की पाकि बयान करना या फिर इससे मुराद नमाज है यानी जब लोगों की बातें तकलीफ दे तो आप अल्लाह से नमाज के जरिए मदद मांगे फस्त बेसब्री वाला और फिर कबल तुलू इशम से मुराद फजर की नमाज जो सूरज तुलू होने से पहले होती है और कबलूब से मुराद जहर और असर की नमाजे है इससे मुराद रात की नमाज यानि इशा और तहज की नमाज है और मगरबी रात का ही एक हिस्सा हो जाता है क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका होता है यानि इन तमाम अहवाल में अल्लाह तला की तस्वीर बयान करे और तस्बीह से मुराद यानी सूरज के तुलू होने और गरूब होने से पहले जो तस्बीहात हमें बताई गई हैं वो पढ़ें और अगर इससे मुराद नमाज है तो फिर इससे मुराद नमाज में अल्लाह का जिक्र और इसके अलावा वह अदबार सुजूद और सजदों के बाद भी एक माना इसका यह है कि नमाज के बाद की तस्बीहा का एहतमाम किया जाए बहुत से लोगों को देखा गया वह नमाज पढ़ते बस उड़ जाते हैं तस्बी नहीं करते जब कि यहां अल्लाह सुबहान खास तौर पर हुक्म दे रहे हैं कि नमाज के बाद तस्बीह बैठकर करनी चाहिए ये नमाज के बाद का जिक्र है मुजाहिद इबन अब्बास से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नमाजों के बाद तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया है और वो इस आयत की तशरीह कर रहे थे वह इतबार मुजाहिद कहते हैं इससे मुराद फर्ज नमाज के बाद तस्बी करना है तो ये नोट कर लीजिए कि सारी नमाज मुकम्मल करने के बाद नहीं बल्कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद तस्बी करें दूसरा माना इसका क्या किया गया है कि फर्ज नमाज के बाद नफल नमाज भी पढ़े क्योंकि सुबह अरबी में नफल नमाज के लिए भी आता है यानी फर्ज नमाज के बाद नफली नमाज भी अदा करें और तीसरा माना इसका किया गया है कि मगरिब की नमाज के बाद दो रकात भी पढ़ें

और आप अपने रब के हुक्म के आने तक सबर कीजिए बस बेशक आप हमारी निगाहों के सामने हैं, और जिस वक्त आप खड़े होते हैं आप अपने रब की हम के साथ तस्बीह कीजिए और रात को भी और सितारों के पलटने के बाद भी उसकी तस्बीह कीजिए यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर का हुक्म दिया गया है कि आप अपने रब का हुक्म आने तक सब्र करते रहें इन न कभी आप हमारी निगाहों के सामने हैं आप हमारी तवज्जो में हैं, हमारी नजरों में हैं, हमारे इल्म में हैं, आप हमारी हिफाजत में हैं, यानी अरबी के मुहावरे के मुताबिक कोई निगाहों में हो का मतलब ये हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, मूसा जिसे सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वाली तुस्ला आईनी ताकि आपकी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए यानी मेरी हिफाजत और हरासत के साथ और बसभ रब्बिका रब का इसका माना है कि जब आप मजलिस से उठें तो तस्बी करें, जब नींद से उठें तो तस्बी करें, जब नमाज के लिए उठें तो तस्बी करें और नमाज में भी तस्बी करें। और इसी तरह तस्बी के दो और माने भी किए गए हैं कि रुकू और सजदों में तस्बी करें और फिर दुआ इस्तिफ़ताह में तस्बी करें। सुबह नमदे का, का। यहाँ भी तस्बीह है तो आप देख रहे हैं कि हम दिन में कितनी बार अल्लाह सुबहान तस्बीह बयान करते हैं व मिन रात में भी तस्बी करे और इससे मुराद रात की नमाज रात की तस्बी है जैसे बेड पे जाते हुए तस्बीहा फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने हजरत फातिमा को सिखाई थी ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए नमाज के अलावा भी तस्बी करते रहना चाहिए इतबार नजूम के भी तीन माने हैं एक माना किया गया है फजर से पहले की दो रकतें पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रकतें न सफर में छोड़ते थे न घर में कभी भी आपने ये सुन्नत नमाज नहीं छोड़ी और फिर इसी तरह इससे मुराद फजर की दो रकात भी ली गई और नमाज के बाद की तस्बीह भी मुराद है इन दोनों आयात से पता चलता है कि नमाज के बाद भी जिक्र करने की अहमियत और जरूरत है जिससे बहुत से लोग गाफिल होते है। कुरान में में हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फाद तुम उसमु बिकुम फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह को खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए याद करो यानी का ऐसा होता है कि आप नमाज पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम अल्लाह के जिक्र से फारिग हो गए और अब हम दुनिया के काम में लग जाएं। हाँ दुनिया के काम दो तीन तरह से ही होते हैं या खड़े होकर कोई काम हो रहा था आप किचन में चले जाते हैं कुकिंग कर रहे हैं आप अपना जिक्र जारी रखें या फिर आप बैठ गए हैं और बैठ के कोई काम कर रहे हैं तस्बीह जारी रखें जिक्र जारी रखें और इसी तरह अगर आप लेट गए आराम करने के लिए तो भी जिक्र जारी रखें यानी हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें इसी तरह सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون फिर जब नमाज पूरी कर ली जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल से तलाश करो यानी अपने दुनिया का काम कारोबार करो और अल्लाह को बहुत याद करो यानी अपने बिजनेस आवर्स में भी अपनी जॉब पर भी अल्लाह को नहीं भूलना क्यों ला अल्लाह को मुतफले हों ताकि तुम फैला पाओ कामयाब हो जाओ इसी तरह अल्लाह सुबहान रमजान के रोजे मुकम्मल करने के बाद चीज का हुक्म देते हैं वली तुक अला करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो तकबीरत बढ़ो और उस पर कि उसने तुमको हिदायत बख्शी और ताकि तुम शुक्र अदा करो इसी तरह हज के ادا करने के बाद भी जिक्र का हुक्म है

इंसानों की याद इंसानों को दुखी करती है लेकिन अल्लाह की याद दिलों के इत्मीनान का बायस बनती है दिलों के अंदर सुकून का बायस बनती है अला बिम इनकलूब खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है तो आपने देखा कि तमाम इबादत के बाद जिक्र का हुक्म है तस्बीह का हुक्म है तकबीर का हुक्म है इसी तरह नमाज के बाद खास तौर पर यानी नमाज पढ़ते ही उठ नहीं जाना चाहिए बल्कि वहां बैठ कर भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और इसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए और सुस्ती नहीं होनी चाहिए बाज लोग सलाम फेरते ही सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं जैसे आजकल तरावी में जल्दी होती है लोगों को तो बस फर्ज नमाज पढ़ी आयतल कुर्सी का भी टाइम नहीं मिलता कि जल्दी से सुन्नत का होता है कि अगर आयतल कुर्सी पढ़ने बैठ गए तो सुन्नत रह जाएगी इमाम साहब तरावी शुरू कर देंगे तो सोचती कि जब घर से निकल ही आए अल्लाह की याद के लिए तो कम अज कम मसनून मुस्तहब तरीके से ही हम सारी इबादात करें ताकि वो दिल का फिर इतमान भी नसीब हो बहरहाल एक नमाज के बाद फौरन अगली नहीं शुरू कर देनी चाहिए उसके बीच के वक्फे में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए नबी अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक नमाज की जगह बैठे रहते थे और फजर अर्ली शुरू करते थे अंधेरे में शुरू करते थे और फजर पढ़ने के बाद बैठे रहते और जिक्र करते रहते सोमाक बिन हर्ब कहते हैं मैंने जाविर बिन समुरा से अर्ज किया क्या आप रसुल्लाम के पास बैठे थे उन्होंने फरमाया कि हाँ बहुत ज्यादा मैं बहुत बैठता रहा आपके पास आप अपनी नमाज की जगह से खड़े नहीं होते थे जिस जगह सुबह की नमाज पढ़ते थे जब तक के सूरज ना निकल आता फिर जब सूरज निकल आता तो आप खड़े हो जाते इसी तरह एक और रिवायत में आता है नबी अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़ते थे तो अपनी जगह बैठे रहते यहाँ तक के सूरज खूब अच्छी तरह तुलु हो जाता तो फिर उस वक्त क्या करते थे इशराक के नवाफिल तो इससे आप अंदाजा लगाएं क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि मैं रसूल से ज्यादा मसरूफ इंसान हूँ मैं ज्यादा बिजी हूं मेरे बहुत काम है मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है नहीं ये सिर्फ नफ्स का धोखा होता है नफ्स हमें धोखा देता है कि देखो पहले तुम उठे हो तहजद के लिए फिर तुमने पढ़ी नमाज और फिर पढ़े अजगार और अब तुम फिर बैठ के और इंतजार करो तो उठो कुछ और काम करो अच्छा मेरा वो काम भी है मेरा वो काम भी है और इस तरह हम अपने आप को तसलियां देकर अपनी जगह से उठ जाते हैं और जिक्र में कोताही कर जाते हैं जबकि मुस्तहब यही है कि उसी जगह बैठ कर चाहे आप तिलावत कुरान करें चाहे आप सुबह शाम के असकार यही वक्त है उनका सूरज निकलने से पहले और हिफाजत के लिए जो पढ़ते हैं वो इन्हीं अकात में पढ़े जाते हैं लिहाजा उस वक्त आप वो भी पढ़ सकते हैं आप तस्बीहात कर सकते हैं आप कोई भी और जिक्र आप कुरान मजीद का मुताला कर सकते हैं तफसीर की कोई किताब पढ़ सकते हैं कोई तफसीर का लेक्चर सुन सकते हैं अपनी तजवीज दुरुस्त कर सकते हैं यानी को, कोई सबक याद कर सकते हैं यानी कोई भी चीज जिक्र की किस्म की आप उस वक्त में तसली के साथ कर सकते हैं ताकि ये सुन्नत पूरी हो जाए क्योंकि इसका अजर सबाब बहुत है जो शख्स उसी जगह बैठा रहे और फिर नफल पढ़ के इशराक के उठे तो उसको हाथ जुमरे का स्वाब मिलता है नबी सल्लाह ने साहबा को नमाज के बाद के अजगार सिखाए इब्न तयमिया रहमह कहते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम जब लोगों को नमाज पढ़ाते थे तो आप सलाम फिरने के बाद दुआ नहीं करते थे और ना सिबा ऐसा करते थे ना सुबह की नमाज में ना असर की नमाज में ना दीगर नमाजों में बल्कि आपसे साबित है कि आप अपना चेहरा असहाब की तरफ कर लेते यानी पलट के वापस बैठ जाते अल्लाह का जिक्र करते और उनको सिखाते थे यानि अजगार और दुआ में थोड़ा सा फर्क है दुआएं ज्यादा ज्यादा सलाम फेरने से पहले कर लेते थे और जो अजकार होते थे जैसे तस्बीहात हैं या सुबह शाम के अजकार हैं या बाकी अजगार हैं वो बाद में कर लेते थे जैसे ला इलाहा ला, ला, ला शरीक ला और इसी तरह दीगर अजकार जो है और सलाम फेरने के बाद अल्लाह का जिक्र करना यानी ज्यादा मुस्तहब है अगर जो दुआ भी कर सकते हैं यानी मना नहीं है ये कहते हैं कि नबी सल्लाम ने जो दुबुर सलात का लफ्ज इस्तेमाल किया नमाज के पीछे तो इससे मुराद नमाज के बाद भी है हजरत आशा कहती है कि नमाज के बाद के असकार शीशे को साफ करने के बाद उसको चमकाने की तरह है यानी नमाज में आपने अपनी सफाई कर ली और अब बाद के असकार के जो आपको और ज्यादा चमका रहे है नमाज नूर है ये दिल को साफ कर देती है दिल को रोशन कर देती है जैसे कि शीशे को साफ किया जाता है और नमाज के बाद जिक्र करना ऐसा है जैसा कि शीशे को चमकाया जाता है फरिश्ते भी दुआएं करते हैं रसूल अल्लाह सल्हम ने फरमाया जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहां तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहो और रिया खारिज न करो गैस पास न करो तो फरिश्ते तुम पर बराबर दुरूद भेजते रहते हैं यानी अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ के अपने वजू की हालत में सूर्य निकलने तक बैठा रहता है तो आप अपने लिए भी जिक्र कर रहे हैं और फरिश्ते भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं क्या दुआ करते हैं अल्लाह मखिरल लहू अल्लाह मरहमहू ए अल्लाह इसकी मफफरत फरमा ए अल्लाह इस पर रहम फरमा और ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक वो वजू तोड़कर फरिश्तों को तकलीफ न पहुंचाए यानी जब गैस पास होती है और उसकी स्मेल से फिर फरिश्तों को तकलीफ होती है तो फरिश्ते जो है वो प्याज की स्मेल और लसन की और जिसम से निकलने वाले अगर पसीना बहुत आ रहा है और कपड़े नहीं आप तब्दील करते रात के कपड़ों में ही उठ के नमाज शुरू कर देते हैं और वो स्मेली कपड़े होते हैं तो इससे फरिश्ते आपसे दूर रहते हैं और इसी तरह अगर खुराक में कोई ऐसी चीज है कि आपकी गैस में बहुत स्मेल है तो ये चीज भी फरिश्तों को तकलीफ देती है अगर आप मसल्ले पर बैठे हैं या आप जिक्र की हालत में है फिर इस वक्त जिक्र करना जो है औलाद इसमाइल से गुलाम आजाद करने से अफजल अमल है खासतौर पर अगर हम लाला ला 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 शरीक लहू वाली तस्वीर पढ़ते हैं अबू उमामा से मर भी है रसुल्ला ने फरमाया सूरज तुलु होने तक मैं बैठ कर अल्लाह करूं उसकी बड़ाई, उसकी दो तस्बी और तहलील करूं ये मुझे औलाद इस्माइल में से दो गुलाम आजाद करने से ज्यादा महबूब है यानी उस वक्त का जिक्र ऐसा है जैसे आपने इतना बड़ा सदका भी कर दिया इसी तरह असर के बाद सूरज गुरूब होने तक जिक्र करना मुझे औलाद इसमाइल में से चार गुलाम आजाद करने से ज्यादा महबूब है यानी असर पड़कर कर भी आप मगरब तक जिक्र कर सकते हैं अगर आम दिनों में नहीं तो आप जुमे के दिन तो कर ही सकते हैं क्योंकि उस दिन दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन उमूमन हम अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से कोई और काम शुरू कर देते हैं और हम इन कीमती अवकात की कदर नहीं करते हमारी प्रायरिटीज नहीं होती यानी इंसान को जब पता चलता है कि ये बिजनेस का पीक आवर है तो वो क्या करता है उस वक्त कहीं और सैर को चला जाता है नहीं उस वक्त वो सारे काम छोड़कर उस काम की तरफ मुतव हो जाता है जो उसको सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है तो इसी तरह बाज सलफ सालिन कहते हैं कि हमने जुमे के दिन असर के बाद मगरब तक जो दुआ की हमारी कबूल हुई यानी ये कबूलियत दुआ का खास वक्त होता है जैसे सुबह का वक्त बुकर नमाज फजर से लेकर सूरज निकलने तक का है बड़ा ही कीमती वक्त है जिक्र के लिए। इसी तरह असर की नमाज से लेकर मगरब तक का वक्त भी बड़ा ही कीमती है तो इसमें आप देखिए खसूसा आजकल आप रोजे से है रोजादार की भी दुआ कबूल होती है और इसमें भी उम्मत के नेक लोगों का तरीका यही रहा है कि वो रोजा खुलने से पहले सारे काम छोड़ देते थे और जिक्रजगार में मसरूफ हो जाते थे दुआएं करने में मसरूफ हो जाते थे तो आप भी अपने लिए कुछ प्लान इस तरह करें कि जुमे का दिन और हम कम अज कम रमजान का महीना असर का वक्त जो है उससे पहले पहले अपने काम खत्म करके पे बैठे या कुर्सी पे बैठे या लेटना चाहते तो लेट जाए क्योंकि पहली आयत यही बताई गई थी ना कि आप खड़े या बैठे या लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं अल्लादीन गुरून अल्लाह क्या वन वुनूब वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे और लेटे जिस भी पोजिशन में आप करना चाहें आप जिक्र कर सकते हैं और उसमें तस्बीह कीजिए सना कीजिए अल्लाह ताला की और दुआएं मांगिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किताबों की शक्ल में दुआओं का इतना प्यारा जखीरा है जो मसनून ऑथेंटिक दुआएं सुन्नत से हमने जमा की है अगर जबानी याद है तो बहुत ही अच्छा कि दिल लगा के जबानी पढ़े और अगर जबानी याद नहीं तो इनको खोल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और सिर्फ पढ़ते ना जाए इस वक्त कोई किरात का वक्त नहीं है ये मांगने का वक्त है देख देख कर इस तरह पढ़े दुआ को जैसे आप मांग मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, तो इनशाला आपके दिन दुनिया आखिरत के सारे मसायल हल होंगे और एक पुर अमन, पुरान सुकून जिंदगी बसर करेंगे अगर इन औकात की आप कदर कर लें क्योंकि जो कबूलियत के औकात हैं, उनको गंवाना नहीं चाहिए उनको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए आप सुबह फजर के वक्त मसलन अगर रमजान में हर रोज एक सपारा पढ़ते हैं आधा सपारा फजर के बाद पढ़ लें आधा से पारा असर के बाद पढ़ लें तो इस तरह बैलेंस भी हो जाएगा आपका दिल नहीं घबरा क्योंकि हमारा नफ्स जो है ना वो इतना आजाद मंश है कि वो कहीं एक जगह बैठने की कैद कबूल नहीं करता वो बार बार हमें कहता है अच्छा फोन चेक कर लो अच्छा वो कर लो वो कर लो और तवज्जो यकसुई से हमें जिक्र अजकार नहीं करने देता तो उसको टेम करने में उसको डिसिप्लिन करने में वक्त लगेगा लेकिन वंस एक दफा आप आदि हो गए आपने उस घोड़े को काबू कर लिया आपने उसको बिठा लिया जैसे तो बच्चों को बिठाने में मुश्किल होती है लेकिन जब बैठ जाते हैं बैठ जाते हैं। तो फिर इनशाला आप देखेंगे कि आपके लिए ये घड़ियां बड़ी पुरलजत हो जाएंगी। आप इन घड़ियों को एंजॉय करेंगे आपका और ज्यादा दिल चाहेगा कि काश ये और लंबी हो जाए अच्छा रोजा खुल गया ओह अभी तो मेरा ये भी और ये भी टारगेट पूरा नहीं हुआ फिर इसी तरह ये है कि रसूल्लाह सल्लाह ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद बैठ कर अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक के सूरज निकल आए फिर दो रकते पढ़े उसके लिए एक हज और उम्रे का स्वब है अनस फरमाते है फिर रसूल अल्लाह सल्लम ने तीन बार फरमाया पूरा 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 सवाब हर हाँ जुमरे का पूरा सवाब हर हाँ जुमरे का पूरा सवाब यानि आप सोचिए कि हर हाँ जुमरा करना कोई आसान काम है मुश्किल काम है जिसमें माल भी इन्वॉल्व आपके एफर्ट भी आपका घर छोड़ना भी सब कुछ लेकिन अगर आपको एक मसले पे बैठ के इतना बड़ा हजरों सवाब मिलता है तो और क्या चाहिए सिर्फ बात है अपने नफ्स को मनाने की अपने दिल को और अपने आप को डिसिप्लिन करने की और एक दफा आपने शुरू कर लिया और अगर नहीं हो पा रहा तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीक दे दे अल्लाह ताला आसान कर दे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी भी हो जाएगी फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने होंठ हिलाता है और ऐसे लोग जो जिक्र में आगे होते हैं वो दर्जात में भी बहुत आगे है सबकत ले जाने वाले हैं फसा बिकून अस्सा बिकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफरदून सबकत ले गए सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मुफरिदून कौन होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं यानी हर वक्त उनका ध्यान अपने रब की तरफ होता है क्योंकि जिक्र में दिल में भी याद जिक्र कहलाता है जबान से कुछ बोलना भी जिक्र है और उसके अलावा आन की तिलावत नमाज ये सारी जिक्र की किस्में हैं। यानी कुछ फॉर्मल है कुछ इनफॉर्मल है कुछ खबर है यानी जैसे तस्बीहात वगैरह होती कुछ में दुआ होती है तलब होती है अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगते ये सारी सारी चीजें जिक्र में शुमार होती हैं